राजेश नाइक का मनपा आयुक्त को अल्टीमेटम, एपीएमसी से फूट सकता है कोरोना का बम, सावधानी बरतने का निर्देश। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से आज फिर मुलाकात की और अपनी पिछली मांगों पर चर्चा करते हुए क्या कार्यवाही हुई उसका जवाब मांगा। बता दें कि गणेश नाइक कोविड सेंटर में वेंटिलेटर, चिकित्सा सुविधा, आरोग्य कर्मियों को सुरक्षा कवच, ठेका कर्मियों को वेतन, छात्रों को मिड डे मील और छात्रवृत्ति देने जैसी तमाम मांग करते आ रहे हैं। इस पर मनपा आयुक्त द्वारा कार्यवाही किए जाने पर पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने संतोष जताया। वासी हॉस्पिटल को कोविड फ्री करने को सही पहल बताते हुए पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कोरोना उपचार व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। सातत्याने गेली 3 महीने मी वाशी हॉस्पिटल कोविड फ्री करा, जनरल करा, हा दर आठवड्याला माझा जो पाठपुरा होता, माननीय आयुक्तांनी आज मेसेज पाठवून, त्याचं मेसेज तुम्हाला पण मी पाठवतो की आजपासून वाशी हॉस्पिटलला कोविड फ्री झालेलं आहे। ही पहिली अचीवमेंट आहे। ज्या ठोक पगार रोख पगार कंत्राटी कामगारांना मृत्यू आला अशा काही घटकांच्या नातेवाईकांना इथे वारंवार यावं लागलं पैसे घेण्यासाठी, माननीय आयुक्त महोदयांना मी सांगितले की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जो कर्मचारी मृत झाला, जो परमंड असो, अधिकारी असो, ठोक पगार रोख पगार कॉन्ट्रॅक्टमधला जो कोविड योद्धा आहे, अशा त्यांच्या नातेवाईकांना फेरी न मारतात आपल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन सन्मानानं त्यांना ती काय जी काय मदत ती दिली पाहिजे, आणि माननीय आयुक्तांनी आज ती गोष्ट मान्य केली। शिष्यवृत्ती जी विद्यार्थ्यांना मिळावी म्हणून आपण आग्रह धरला होता की तो शिक्षकांना सांगून त्यांच्या अकाउंटला ती ट्रान्सफर करावी। बऱ्याचशा लोकांना ती मिळाली होती, काही लोकांना मिळाली नव्हती, म्हणून स्पेशल पुन्हा एक टीम तयार करून त्याचा लेखाजोखा घेऊन पुढच्या मीटिंगच्या वेळेला त्याचा अहवाल देण्याचं त्यांनी निश्चित सांगितलं। आता डीवाय पाटीलमध्ये 200 व्हेंटिलेटर म्हणजे 200 ज्या बेड्स मिळाल्या त्याच्यापैकी 80 व्हेंटिलेटर्स त्या ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या आहेत। आता राधास्वामीमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारची सोय केलेली आहे। मी त्यांना सांगितलं होतं मागच्या वेळेला की आपल्या राज्याच्या आरोग्य सचिवांना पत्र लिहा की त्यांनी इतर राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी कोविडचं प्रमाण कमी आहे आणि चांगल्या प्रकारची वैद्यकीय सेवा त्यांच्याकडे सरप्लस आहे, तर ती वैद्यकीय सेवा आपल्याला मिळावी आणि निश्चितपणे आपल्याकडचे त्या डॉक्टर नर्सेसना मिळणारे वेतन निश्चित चांगलं आहे, तर अन्य राज्यातील ज्याला आपण तज्ज्ञ लोकांची जी गरज आहे ती गरज भागवण्याकडे त्यांना बोलवा, आणि तशा प्रकारे त्यांनी पत्र व्यवहार केलेला आहे। विधायक गणेश नाईक ने एपीएमसी पर आयुक्त का विशेष ध्यान दिलाते हुए जोर दिया कि मंडियों से कोरोना संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा है। भाजपा विधायक ने कहा कि एपीएमसी मंडियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि एपीएमसी की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन एवं कोविड जांच पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया तो मंडी से कोरोना का बम फूट सकता है। उन्होंने आयुक्त को एपीएमसी सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रमण रोकने तत्काल ठोस कदम उठाने का भी सुझाव दिया। नई मुंबई शहर में जो कोरोना का जो प्रसार हुआ उसमें 1/3 एपीएमसी कारण हुई थी। अब के बार भी वो स्थिति वही बनने को जा रही है, इसलिए वहाँ के जो सेक्रेटरी है उनको कांटेक्ट करके वो जो एक लिथार्जिक यानी वहाँ पे जो गैर शिस्त हुई है उसको फ्रेम में ला के फिर से वो कारण बन के फिर से शहर में कोरोना का प्रभाव न बढ़ने के लिए उनको मैंने कहा है और उसके बारे में वो उनके अधिकारी को बता के उस पर सिस्टम बनाने वाले हैं। बताते चलें कि नई मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अब 33,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना उपचार के लिए डॉक्टर्स और वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं।
ऐसे में लोक नेता गणेश नाइक बीते 3 महीने से लगातार मनपा आयुक्त से मुलाकात कर आरोग्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं और खामियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनके मुलाकात और मांगों का ही असर है कि नवी मुंबई के कई ठिकानों पर नए कोविड केयर सेंटर बन गए हैं, साथ ही ऑक्सीजन बेड और औषधियां भी उपलब्ध होने लगी हैं, जो नवी मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।